स्वागत है मूव मीडिया में। मेरा नाम केशव कुमार झा है। ये वीडियो देखकर आपको हंसी भी आएगी और आप सोचने पर भी मजबूर होंगे कि जिस व्यक्ति को, जिस कार्यकर्ता को और जिस व्यक्ति के बारे में लोगों को पता नहीं है, वो इस समय एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दावा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार प्रकरण में लोक जनशक्ति पार्टी में जिस तरह से टूट हुआ है और चाचा भतीजा की जंग चल रही है। चाचा कह रहे हैं कि मैं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का, तो वहीं भतीजा कह रहा है कि मैं हूँ लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन कार्यकर्ता को क्या पता है, पशुपति पारस जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा कर रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, जिनके साथ 5 सांसद भी है लोजपा के, लेकिन उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो देखिए। ये आवाज़ है पशुपतिनाथ सिंह, सांसद हैं झारखंड के धनबाद से भाजपा के, पशुपतिनाथ सिंह। उनके आवाज़ के बाहर देख सकते हैं आप लोक जनशक्ति पार्टी जो कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं और जो अभी तक जो संसदीय दल के नेता भी चुने गए हैं। पशुपति पारस का तस्वीर लगा हुआ उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़ा सा होर्डिंग इनके आवास के बाहर लगा हुआ है। तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता पशुपति पारस के साथ हैं उनको ये भी नहीं पता कि आखिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का असली घर कहाँ है? उनका नेता पशुपतिनाथ सिंह है या पशुपति पारस? ये जो घर है वो पशुपतिनाथ सिंह का है जो कि धनबाद से भाजपा के सांसद है, और जो पोस्टर लगा है वो पशुपति पारस का है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हाजीपुर से सांसद हैं। ये पोस्टर लगाया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी द्वारा विनोद नागर जी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएँ। तो विनोद नागर को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। विनोद नागर के कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को ये नहीं पता है कि पशुपति पारस का घर कहाँ है। एक और पोस्टर लगा हुआ दूसरे गेट पर, मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि एक और पोस्टर लगा हुआ, चलिए थोड़ा नज़दीक जाकर ही देखते हैं कि वो किसका पोस्टर लगा हुआ है। तो वो भी पोस्टर किसी कार्यकर्ता की है, अभी अंधेरा है तो दिख नहीं रहा साफ तौर से। ये घर भी दूसरा गेट है पशुपतिनाथ पारस जी के, पशुपतिनाथ सिंह जी का, जिनके आवास के बाहर ये भी दूसरा पोस्टर लगा हुआ है। तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को ये भी नहीं पता है कि आखिर में पशुपति पारस जी का घर कौन सा है? तो जो व्यक्ति लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं उनको, उनके कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता है कि आखिर में पशुपति पारस का घर कौन सा है। यहाँ से कुछ ही देरी दूर 100 मीटर आगे राउंड अबाउट पे राजेंद्र प्रसाद रोड है, वहाँ पर पशुपति पारस का घर है जो कि हाजीपुर से सांसद हैं लोजपा के, उनका घर है। ये हो गया विंडसर प्लेस जो कि 12 नंबर है, ये उनका घर है। ये पशुपतिनाथ सिंह है जो कि लोकसभा सांसद है भाजपा के धनबाद झारखंड से, और पशुपति पारस हाजीपुर से लोजपा के सांसद है। और इस वक्त जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में टूट फाट हुई है, दूसरे गुट बन गया है, एक गुट है चिराग पासवान का, दूसरा गुट है पशुपति पारस का। तो पशुपति पारस के समर्थक जो उनके गुट के समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पर जो पशुपतिनाथ सिंह है भाजपा सांसद धनबाद से, उनके घर के बाहर पोस्टर लगा दिया है शुभकामना संदेश का। तो क्या पशुपति पारस के साथ जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको ये भी नहीं पता कि आखिर में पशुपति पारस का घर कहाँ है, उनके नेता का घर कहाँ है, उनका नेता कौन है? पशुपतिनाथ सिंह उनका नेता है या पशुपति पारस उनका नेता है? तो देख सकते हैं किस तरह से कन्फ्यूजन है। एक तरफ चिराग पासवान के घर के बाहर 12 जनपद के बाहर हज़ारों पोस्टर लगे हुए हैं, वहीं कुछ पोस्टर इक्का दुक्का लगा हुआ है पशुपति पारस के घर के बाहर, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं पता कि आखिर में असल नेता कौन है, पशुपतिनाथ सिंह है उनका नेता या पशुपति पारस है उनका नेता। तो कन्फ्यूजन किस तरह से क्रिएट हो रखा है वो आप साफ तरह से देख सकते हैं यहाँ पर, जब पशुपतिनाथ सिंह सांसद भाजपा के हैं, ये झारखंड के धनबाद से आते हैं, उनके घर के बाहर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जो पशुपति पारस के साथ हैं उन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।